नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 125 सीआरपीसी के संबंध में तो आप सब लोग जानते होंगे। 125 सीआरपीसी का मुकदमा, शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप भी इस मुकदमे को झेल रहे हैं, आप भी इस मुकदमे के एक पक्षकार हैं। तो ऐसे में आज मैं 125 सीआरपीसी यानी जो मेंटेनेंस का मुकदमा होता है उस संबंध में एक ऐसा गाइडलाइन, एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूँ जिस जजमेंट की मदद से लाखों ऐसे पति हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने झूठा मुकदमा कर रखा है, वो मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं। इस जजमेंट को जो आज मैं आपको बताऊंगा, तो जब आपका केस फाइनल हो रहा हो, जब आपका फाइनल आर्गूमेंट हो रहा हो, उस समय आपको इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर सिर्फ लगा देना है। और यदि आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाते हैं और जो भी चीजें हैं इस जजमेंट से आपके केस में सेम फैक्ट रहता है, तो मेरी गारंटी है कि आपका भी जो 125 सीआरपीसी का झूठा मुकदमा है जो आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध लगा रखा है, वो खारिज हो जाएगा। तो 125 सीआरपीसी के संबंध में आज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पत्नी अपने पति से अलग रह रही है तो अलग क्यों रह रही है, अलग रहने का क्या कारण है, ये साबित करने का भार, ये बताने का भार पत्नी के ऊपर ही होगा। तो इसी वजह से ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में इस जजमेंट को हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवीएक्स, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराना है, कैसे केस को क्वेश कराना है, क्या ऐसे ग्राउंड होते हैं जिन ग्राउंड के आधार पे आप 498 क्वेस करा पाएंगे, सेक्शन 9 के क्या फायदे होती हैं, डिवोर्स को कैसे आप आसानी से ले सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि 498 एक क्वेश हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 के आधार पर पति को फायदा मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि अगर आपका भी सेम फैक्ट पे वही केस होगा जो जजमेंट में है, तो आप इस जजमेंट को लगा के अपने केस में भी फायदा ले सके। क्योंकि रूलिंग जजमेंट का जो भी चीजें होती हैं अपने भी केस में, यदि आप उसे रूलिंग के तौर पे लगाती हैं तो आपको भी फायदा मिलने का चांस बढ़ जाता है। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जो 125 सीआरपीसी से संबंधित है, यदि आप इस केस की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, पत्नी के द्वारा किए गए 125 सीआरपीसी को खारिज कराना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई आपको चार्ज नहीं पे करना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं और ऐसे में आप किसी केस की मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहती हैं, जैसे आप 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, WS ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आप वो भी मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें पति के पक्ष में बोली गई हैं और इस जजमेंट की मदद से लाखों पतियों को फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो शिव कुमार वर्सेस संतोषी के केस में आया है। और देखिए, ये जो जजमेंट है वो 125 सीआरपीसी से संबंधित है, यानी मेंटेनेंस केस से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करती है।
जब मुकदमा वो दायर करती है तो पति जब उसमें हाजिर होता है तो पति की तरफ से ये पक्ष अपना रखा जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 98 सीआरपीसी में पति ने आवेदन किया था, जिसमें पत्नी हाजिर हुई उसने खुद कहा कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। पत्नी ये आरोप लगाई होती है कि उसका पति उसे परेशान करता था, मारता था, पीटता था और ऐसे में उसे बस स्टेशन पे छोड़ के एक बार अकेला चला गया। उसके बाद वो अपने नाना नानी के घर चली गई और वहीं रह रही है। तो पति ये बात कोर्ट में साबित करता है कि जो पत्नी है खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है, पत्नी अपने स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट के समक्ष ये बात बोल चुकी है। तो ऐसे में कोर्ट ये मानता है कि ये जो पत्नी है वो अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है, वो खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है। और ऐसे में जैसा हमारा कानून है कि ऐसी पत्नी जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसके साथ पास पति से रहने का उचित कारण नहीं है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है वो पत्नी के 125 सीआरपीसी के आवेदन को खारिज कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है इस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट जाती है। सेशन कोर्ट जो होता है पत्नी का पक्ष रख सुनता है और ऐसे में पत्नी के पक्ष में आदेश करता है और पति को आदेश करता है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे, यानी पत्नी वाली अब हो जाती है सेशन कोर्ट से। उसके बाद जो पति होता है हार नहीं मानता है, वो हाईकोर्ट जाता है और इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करता है। पति की तरफ से हाईकोर्ट में ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है उसने खुद 98 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के समक्ष ही अपना स्टेटमेंट दिया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती है। और साथ ही साथ पति कुछ अन्य बातें बताता है, जैसे कि पत्नी जैसा कह रही है कि उसे मारा पीटा गया, परेशान किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी ये कह रही है कि उससे दहेज मांगा गया, उससे पैसे मांगे जाते थे, लेकिन कितने पैसे मांगे जाते थे कोई कहीं जिक्र नहीं है, कब मांगे जाते थे इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में जो भी बातें हैं बनावटी बातें हैं, सिर्फ परेशान करने के लिए केस दर्ज कराया गया है। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही पाता है कि पत्नी ने अपने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए उससे कहीं ये चीज साबित नहीं हो रहा है कि पत्नी के साथ कहीं भी क्रूरता की गई, उसके साथ कहीं उत्पीड़न किया गया। तो ऐसे में जो पत्नी है उसके साथ जब क्रूरता नहीं हुई है, उत्पीड़न नहीं हुआ है, तो जो भी आरोप वो लगा रही है गलत आरोप लगा रही है। और ऐसे में कोर्ट ये स्पष्ट करता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस पाने का कोई हक नहीं है, जैसा हमारा कानून कहता है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण गाइडलाइन देता है, महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है कि जो पत्नी अपने पति से अलग रह रही है तो अलग क्यों रह रही है, अलग रहने का क्या कारण है, ये साबित करने का भार पत्नी के ऊपर ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई पत्नी है वो कोर्ट में कह रही है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, परेशान करता है, दहेज मांगता है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ और मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उन आरोपों को साबित करने का भार पत्नी के ऊपर ही है। यदि वो साबित नहीं कर पाती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, उसका मेंटेनेंस केस खारिज हो जाना चाहिए। लेकिन पति सही ढंग से केस नहीं लड़ते हैं, अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, इसी वजह से पति हार जाते हैं और जहां मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए वहां भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो यहां इस जजमेंट में ये बात क्लियर कर दिया गया है कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है, जो भी बातें कोर्ट में बोल रही है, जो भी चीजें वो बता रही है, उसे साबित करने का भार उसी के ऊपर है। यदि वो साबित नहीं कर पाती है अपने आरोपों को तो ये माना जाएगा कि पत्नी बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है और ऐसे में जो पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रहती है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, उसका मेंटेनेंस केस खारिज हो जाना चाहिए। और ऐसे में जो हाईकोर्ट होता है यही कहता है कि यहाँ पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है, जो भी आरोप उसने लगाए उसके लिए उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि पत्नी बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है और उसका जो सेशन कोर्ट से आदेश हुआ है गलत आदेश है, उसे खारिज किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट एक निकल के आया है। इस जजमेंट का यूज आप कैसे करेंगे कि जब आपका केस फाइनल हो रहा हो, फाइनल आर्गुमेंट हो रहा हो, तो ऐसे में इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे आपको कोर्ट में लगाना है। जज साहब से ये बात कहनी है कि मेरी पत्नी ने जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, उसने जो भी अपने साक्ष्य दिए, साक्ष्यों से कहीं कोई बात साबित नहीं हो रही है, साक्ष्यों के आधार पे मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं बन रहा है, मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं वो साबित नहीं हो रही है। और ऐसे में ये जो जजमेंट है वो यही कहता है कि जहां पत्नी अपने आरोप को साबित नहीं कर पा रही है वहां मेंटेनेंस केस खारिज हो जाना चाहिए, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए,
क्योंकि अलग रहने का उचित कारण साबित करने का भार पत्नी के ऊपर ही है और मेरी पत्नी कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है कि वो अलग क्यों रह रही है। इस जजमेंट को जब आप रूलिंग के तौर पे लगाएंगे, आर्गुमेंट अपना अच्छे से करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि पत्नी का जो मेंटेनेंस का केस है वो खारिज हो जाएगा। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसका फायदा आप अपने केस में समय समय पर ले पाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराने की जो फी है वो 300 रुपये है। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।